रुपया चौंक गई ना। आप कब से हमें जासूसी करने लगे हैं? गुलाम को जासूस काहे बोल रहे हो फुल्लो? हम तो बस ये बताने आए थे कि जितना दिख रहा है सिर्फ ये पैसा नहीं है, अलग से भी इससे ज्यादा कमाई किया है और माजी के लिए दवाई खरीद कर मंगाया गया है। फुल्लो अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द हमको अपना बोरिया बिस्तर बांध के घर से वापस जाना पड़ेगा। चुप कीजिए ना, काली बिल्ली आपकी जवान लांग गई है का? कभी तो कुछ ना कुछ सुप सुप बोलिया कीजिए। अरे जो देखेंगे वही बोलेंगे ना, ये बिंदिया देख रहे। बिंदिया बिंदिया बिंदिया, सुबह उसकी हरकत देख के उसका पर काट देना चाहिए था। वैसे भी बिंदिया तो हमारा मुकाबला कर ही नहीं सकती। अब तक की एक तरफा लड़ाई थी, अब तक की फूलवती मैदान में उतरी नहीं थी। अब देखिए मैदान में उतरने का वक्त आ गया है, अब हम उस बिंदिया का घमंड तोड़ के ही रहेंगे। अब क्या करने वाले हो तुम? उसके बारे में अगर किसी के सामने मुंह खोला ना तो मुंह में हाथ डाल के आंत बाहर निकाल लेंगे, धंधा भी बंद कर देंगे, गांव में रहने लायक नहीं छोड़ेंगे। काहे इतना धमका रही है? निश्चिंत रहिए ना। अरे बाप रे, इतना बड़ा सुई! ये सुई सीधा बिंदिया के दिल में चुभेगा। ईका, राम प्यारी तुम खाना काहे नहीं खा रही हो? खाना ना खाना बुरा बात होता है, तुम उपवास रखी हो का? आज हम पे गुस्सा भी नहीं करोगी? क्या हुआ राम प्यारी, कोई कछु बोला का तुमको? तुम ऐसे उदास रहोगी तो हमको भी तो बुरा लगेगा ना। आओ ना। देखा भीम जी हम क्या बोल रहे थे, इस सुई सीधा जाके बिंदिया के दिल में लगेगी। सुई लगाए राम प्यारी को और दर्द जो है बिंदिया को हो रहा है। अब देखते हैं कैसे बेचती है तू और कैसे कमाती है पैसा। फुल्लो राम प्यारी को बीमार तो कर दिए, अब आगे का? अब बारी है दूसरी चाल की, जो बिंदिया के हौसले को जला के खाक कर देगी खाक। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, रामप्यारी ऐसे सुस्त कभी नहीं रहती थी। वही तो दादी, पता नहीं अचानक क्या हो गया रामप्यारी को। शायद तबीयत खराब हो गया होगा या फिर मन उदास होगा। उसको पल्लू का तो याद नहीं आ रहा। हो सकता है, जानवर भी तो भावुक होते हैं ना। तू चिंता मत कर, उसको थोड़ा समय दे, वो ठीक हो जाएगी। जा जा बेटा, जल्दी तैयार हो जा, स्कूल जाने में देरी हो गया है। तो कविता का सार ये है कि क्या बात है बिंदिया, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? आज कक्षा में भी खोई खोई थी, सब ठीक तो है ना? वो कहाँ है मास्टर जी, उनका ध्यान बार बार राम प्यारी पर जा रहा है। पता नहीं उनको क्या हो गया, ना सुबह से खाना खाई है ना उनसे गुस्सा हुई है, बस चुपचाप उदास होकर बैठी रहती है। बस इतना सा बात, चिंता मत करो, पास ही के गाँव में वेटरनरी डॉक्टर है, उसको बुला लेंगे, वो देख लेगा राम प्यारी को। वेटरनरी डॉक्टर?
जानवरों का जो इलाज करते हैं ना उसको वेटरनरी डॉक्टर बोलते हैं। अच्छा हो गया समस्या का समाधान। वो का है एक और समस्या है। हाँ बोलो। पल्लू को फोन किए पर उससे बात ही नहीं हो पा रही। उनका कर लो। धन्यवाद मास्टर जी। अब गोंडा जा रहे भाई। काहे? कुछ जरूरी काम है। रात में आने में थोड़ी देर हो जाएगी। खाने पे इंतजार मत करना हमरा। ठीक है। अब देखो रेखा। अब का है कि तुमने प्लान पे हमको पूरा भरोसा है और 100% हम तुम्हारे साथ भी हैं। लेकिन अपने गुस्से पर जरा काबू रखना। वो का है ना कि गुस्सा हर चीज को गड़बड़ कर देता है। हम यूं जाएंगे और यूं आ जाएंगे। तब तक कोई गड़बड़ मत करना। आप ना फजूल की टेंशन ले रहे हैं। कछु गड़बड़ ना होगा। आप आराम से होकर आइए। ठीक है चलो। अरे बिंदिया कहाँ जा रही हो? अरे बिटिया आज फसल नहीं काटना है का? काका राम प्यारे बहुत ज्यादा बीमार है। उसको देखने जानवर वाले डॉक्टर साहब आ रहे हैं। ठीक ठीक है जाओ जाओ चलते हैं। भीम जी अच्छा हुआ बिंदिया चली गई वरना हमारा पूरा प्लान चौपट हो जाता। अरे फुल्लो जल्दी करो इससे पहले कि कोई और आ जाए अपना काम खत्म कर दे। आजा चल चल आजा। अरे फुल्लो जल्दी चलो क्या कर रहे हो तुम? आजो आप तुम्हारे साथ देख उठाइए हमको भी। अरे मदद कौन है वहाँ? पहलवानी ना ही दिखा रहे वो देखो को इधर ही आ रहा है चीते की तरह तेज भागता हुआ आ रहा है बहुत तकड़ा है किसान लग रहा है। अरे तो आप क्रिकेट की तरह चाहिए ताकि रुकिए उसको। अरे बोलता काहे नहीं है कौन है वहाँ? कौन है यहाँ? भीम जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हवा हवा ये क्या है? वो कुछ नहीं। क्या हुआ आप इतना घबरा कह रहे हैं? अब आपको देख के घबरा गए। वो कहा है ना ऐसा काम में अब हमको बहुत घबराहट होता है। बहुत दिन शहर में रह लिए ना तो इस सब का आदत छूट गया है। का मतलब? हल्का होने आए थे। हल्का होने? हाथ करते हैं आप भी। हल्का होने के लिए आपको खेते मिला ये पास में घर है और हल्का होने के लिए यहाँ आ गए। और हाँ अब गांव भी ना कोनो मामले में शहर से कम नहीं है समझे आप। हर घर में शौचालय है। अरे कोई नहीं आता यहाँ सिवाय आप जैसे शहर के लोगों को छोड़ के समझे। अब सही कह रहे हैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन कहा है ना जब पेट में जोर का तूफान उठता है ना तो फिर कुछ नहीं सूझता है। जहाँ जगह मिली वहीं पे। तो कहीं और जाके जगह ढूंढिए ना। ये खेत हमारी लक्ष्मी माता है यहाँ गंदा मत कीजिए। जाइए यहाँ से। घर में चले गए सोच नहीं बदला है। जाइए यहाँ से। भीम जी मैं मदद की
नीचे। भी पकड़े जाते मरवा तो तुम दी थी हमको। दिन में तो यहाँ बहुत ही खतरा है, लोगों का आवन जावन लगा रहता है। दिन में हमारा काम नहीं होगा, हमको रात में ही आना पड़ेगा। चलिए चलिए भागो भागो। अरे हुआ क्या कर रही हो खड़े होके, यहाँ पैर दबाओ आओ। मामी वो हम स्कूल जा सकते हैं क्या? वो मामा बोले थे कि हमारा दखिला बड़ा वाले स्कूल में करा देंगे जिसमें घुड़सवारी नाच गाना तैराकी सब सिखाते हैं। अच्छा ऐसा बोले तुम्हारे मामा? जो आदमी हमको 100 वादा करके एक भी वादा पूरा ना किया हो वो तुमसे किया हुआ वादा कैसे पूरा करेगा? और दूसरी बात ये कि जिसकी जितनी औकात हो ना उतना ही बड़ा सपना देखना चाहिए। तैराकी और घुड़सवारी फोकट में आता है का? पैसा कहाँ से आएगा? चिरैया से तिजोरी भर के लाई थी का? जितना तुम्हारे मामा को तुम पर खर्च करना था ना कर दिए, अब हम उनको एक फूटी कौड़ी तक खर्च करने नहीं देंगे। समझ में आई बात? अब जाओ जाके खाना लगाओ जाओ। हमको तो लगता है कि बिंदिया ही कुछ उल्टा पुल्टा खिलाई होगी राम प्यारी को। लगता है इसके पेट में कुछ संक्रमण हो गया है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, ये ठीक हो जाएगी। कैसे ठीक होगी डॉक्टर साहब? कुछ दवाई और सुई देना पड़ेगा। अच्छा तो दे दीजिए। दे तो देंगे, लेकिन हमारा फीस है 50 रुपया और ऊपर से दवाई और सुई का खर्चा 150 रुपया पकड़ लो, इतना हो जाएगा ना? हमारे पास तो सिर्फ 120 रुपया है, हम लेके आते। हमारा पैसा कहाँ गया? रात को यहीं तो रखे थे। इतना ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, परी को पैसा चाहिए बोलेगा। जिस पैसे से राम प्यारी का इलाज करने चली थी वही पैसे से तो सुई लेके राम प्यारी को बीमार किया। ये पैसा कैसे गायब हो सकता है? कल रात को ही रखी थी ना? हाँ दादी वहीं पे तो रखे थे। डॉक्टर साहब अभी हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन आप राम प्यारे को दवा और सुई दे दीजिए, हम आपको कल तक पैसा दे देंगे पक्का। देखो बेटा एगो कहावत है, घोड़ा यदि घास से दोस्ती करेगा तो फिर खाएगा का? इतनी दूर से आए हैं मुफ्त में इलाज करेंगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? अच्छा चलो हम अपना फीस नहीं भी लेते हैं, लेकिन ये सुई और दवाई खरीदने में पैसा तो लगेगा ना बेटा? आप लोगों के पास तो होंगे ना पैसे? का है आपका हमारा बैंक में खाता खोलने वाले हैं? हम तो इसलिए पूछ रहे हैं कि यदि इस गाय का इलाज सुबह तक नहीं हुआ तो इसकी हालत और खराब हो जाएगी, फिर इलाज में बहुत ज्यादा खर्चा पड़ेगा आपको। चाय वो तो हमको भी दिखाई दे रहा है कि चाय है, पर बिस्कुट भी तो लाना चाहिए। सब कुछ तुमको तोता की तरह रटाना पड़ेगा का? जाओ जाकर बिस्कुट लेके आओ। जी मामी। वैसे मानना पड़ेगा रेखा, किस्मत वाली हो। अरे भांजी के रूप में फ्री की नौकरानी मिली है तुझे। अरे का है कि किस्मत, पूरा दिन हमारा सर खाती रहती है और इसको सिखाने के चक्कर में हम ही सब कुछ भूल जाते हैं। हम ना बहुत ऊब चुके हैं इसकी निगरानी करके। तो एक काम करते हैं, बाजार चलते, थोड़ा घूम फिर भी लेंगे। ऐसे ना हमको भी बाजार में काम था, तो कहा है ना बहुत दिनों से हमारा ब्लाउज पड़ा हुआ है, सिलाने के लिए वक्त ही नहीं मिल पा रहा इन सब चक्करों में। अगर तू तो अपने भांजी को साथ में ले ले तो
तुम्हारा सामान का धोना भी झमेला खत्म और ई के ऊपर निगरानी भी हो जाएगी। हाय तुम्हारे दिमाग का तो कोई जवाब ही नहीं है माली। तो चल निकम में देरी कैसी। हाँ चलते हैं। सुनो मामी हम एक को बिस्कुट नहीं खाए। पूछेगा तुम बिस्कुट खाए हो कि नहीं खाए हो। जितना पूछे उतना जवाब दो। जी। जाओ जाकर ढक के कपड़ा पहन लो, हम लोग बाजार जाएंगे। मामी हमारा बाजार जाने का मन नहीं है। तुम्हारे मन के हिसाब से चलेंगे का। जाओ जाके कपड़े बदलो जाओ। जी। बिंदिया बिटिया अभी तक काम कर रही हो? सूरज ढल गया है, घर जाओ। नहीं नहीं काका, हमको ज्यादा से ज्यादा फसल काटना है। काहे? काहे कि फसल बेच के पैसा भी तो जमा करना है ना। बिटिया तुम इतनी रात को फसल तो काट लोगी लेकिन बेचोगी कहाँ? इतनी रात को कोई खरीदार नहीं मिलेगा, व्यापारी कल दोपहर तक ही मिलेगा। कोई ना कोई तो होगा ना जो रात को भी हमारी फसल ले लेगा। नहीं बिटिया, दिन ढलने के बाद कोई खरीदार नहीं मिलेगा तुमको। यदि इस गाय का इलाज सुबह तक नहीं हुआ तो इसका हालत और बिगड़ जाएगा। हे अंबे माँ, कोई तो तरकीब बताओ। सत्तर? अभी इतने ही थे हमारे पास, और रहते तो दे देते। कोई बात नहीं मास्टर जी, धन्यवाद। आप ही तो हैं जो हमेशा हमारी मदद करते हैं। अच्छा अभी ये रख लो, बाकी इंतजाम भी भगवान कर ही देंगे। जी मास्टर जी। तनिक और डीप, तनिक और, तनिक और डीप लीजिए ना। अरे भाभी जी और नीचे गए ना तो ब्लाउज नहीं आपका पेट दिखेगा। जब हमको पहनने में कोई दिक्कत नहीं है तो आपको बनाने में क्या दिक्कत है? जितना बोल रहा हूँ उतना कीजिए, नाप लीजिए हमारी अच्छे से। मामी हम घर कब जाएंगे? हाय मुरी मैया, कब से रट लगा रखी है घर कब जाएंगे घर कब जाएंगे। अरे जाएंगे, काम तो हो जाने दो। सच कह रहे रेखा, लड़की को जीना ना बहुत ही मुश्किल है। अरे कितनी जल्दी उसको घर जाने की, हम लोग शॉपिंग का कहाँ होगा। ना बाबा ना, हमसे ना हो पाएगा, इसका कुछ कर यार। चलो सामान उठाओ। और आप मास्टर जी हमारा ना ब्लाउज बहुत ही अच्छा बनाइएगा, हाँ एकदम अनुष्का वाला। हाँ चलो आओ। पकड़ो, ध्यान से सुनो, हम अभी काम से जा रहे हैं, तब तक यहाँ बैठ के आइसक्रीम खाओ। और हाँ कनिको यहाँ से हिली या फिर चिड़ैया जाने या किसी से फोन करने के लिए मदद मांगे ना तो अंधेरे कमरे में उल्टा लटका कर मारेंगे, समझ में आया? चुपचाप यहाँ बैठ के आइसक्रीम खाओ, इसके बाद तो हम घर जाएंगे ना। आओ नहीं तो का पूरा रात यहीं पर घूमते रहेंगे का। हाँ बैठो यहाँ चलो। अरे सुन 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 रेखा, वो बैग तो ले ले, बहुत महंगे सामान है उसमें, ले ले। यही बैठी रहना चलो। ना दूध बेच पाए और ना फसल, तो हम प्यारी के इलाज के लिए पैसा कैसे कमाएंगे? माँ तुम ये अलट पलट चलट करके कोई आइडिया बता दो ना। का चीन? नहीं नहीं बिंदी, चीन तो माँ का निशानी है और निशानी को बेचना नहीं चाहिए, संभाल के रखना चाहिए। अम्मी माँ ये आइडिया ठीक नहीं है, कोई और आइडिया सोच लो ना। यहाँ आसपास कोई चाय का ठेला है क्या? नहीं नहीं चाचा, यहाँ तो रात होती सब बंद हो जाता है। चलिए मंत्री जी के चक्कर में पूरी रात की ड्यूटी चौक पे,
और एक कप चाय पर भी आफत है यहाँ। अरे वाह बीमा, ये तो तुम बहुत अच्छा आइडिया दी। काम करो। आज तो बहुत ही ज्यादा थक गए हैं, प्यास भी बहुत लग रही है। हम अभी काम से जा रहे हैं, तब तक यहाँ बैठ के आइसक्रीम खाओ। पायल चल हट जा यहाँ से, कब से बैठी है, दुकान बंद करने का टाइम हुआ है। हम कहाँ जाए थे रात को, मम्मी कहाँ चली गई।